हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं पहाड़ी मंदिर रांची झारखंड का। और इस मंदिर का बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंस है। और ये देखिए, रातू रोड से जाने का, कुम्हार टोली के रास्ते से जाने का पहाड़ी मंदिर का रास्ता। और पहाड़ी की चोटी पे पहाड़ी बाबा का मंदिर वाइट कलर में। तो आज हम आपको इस मंदिर का दर्शन कराएंगे। इसके बारे में बहुत सारी बातें हैं जो ऐतिहासिक है, जिसमें एक बात तो ये मुख्य प्रवेश है पहाड़ी मंदिर का। जी हाँ, यहाँ से आप प्रवेश करेंगे और लगभग 468 सीढ़ी है, 400 सीढ़ी से ज़्यादा है। वो सीढ़ियों को आप पार करते जाएं और आपको कुम्हार टोली रास्ते में ही सड़क के किनारे ही पूजा की सामग्री मिल जाएगी, जिसे आप खरीद सकते हैं। और यहाँ से आप मंदिर पे चढ़ाई स्टार्ट कर सकते हैं, पहाड़ी बाबा मंदिर। जी हाँ, यहाँ पे शादीशुदा कपल भी काफ़ी आते हैं दर्शन के लिए। रांची पहाड़ी मंदिर परिसर विकास समिति है रांची पहाड़ी मंदिर का, जिसके पूरे मैनेजमेंट को यहाँ पे देख रेख करता है। जी, ये रांची रेलवे स्टेशन से लगभग 7 किलोमीटर की दूरी पर है। रांची हिल यानी रांची पहाड़ी पे ये मंदिर है, शिव भगवान का मंदिर है। जी हाँ, और इस पहाड़ी मंदिर से आपको रांची के पुराने रांची और नए रांची और रांची का डेवलपमेंट ये पूरा आपको दिखेगा। जी हाँ, काफ़ी सुंदर दृश्य यहाँ से दिखता है। सूर्योदय और सूर्यास्त दोनों यहाँ से भी काफ़ी अच्छा दिखता है। और इस मंदिर के रास्ते में और परिसर में टोटल 7 मंदिर हैं। दुर्गा मंदिर, नागराज का मंदिर सबसे पुराना है। मंदिर प्रांगण में पूजा अर्चना आप कर सकते हैं। और यहाँ से आपको एक झील भी दिखाई देगा, रांची लेक जिसको कहते हैं। 1842 में एक अंग्रेज कर्नल ओनसेल ने इसका निर्माण करवाया था। और उस झील, ये देखिए, हनुमान जी का पताका फहराता हुआ। और मंदिर के आसपास काफ़ी पेड़ हैं, जंगल हैं, सुंदर सुंदर फूल हैं, जिसमें एक ये आप देख सकते हैं कितना सुंदर है। और मंदिर में चढ़ाई करने से पहले लोग झील में स्नान करते हैं। अब करते हैं कि नहीं, ये तो नहीं है, लेकिन पुराना प्रचलन यही था। और छोटी छोटी पहाड़ियाँ भी आपको दिख जाएगी रांची की। नागराज का जो मंदिर है, उससे छोटा नागपुर के नागवंशियों का इतिहास है, ऐसा बोला जाता है। अब नाग बाबा का ये प्राचीन मंदिर है, विधवा पाहन नाग बाबा। जी हाँ, और इस मंदिर की खास बात ये है कि यहाँ पे धार्मिक जो है शिवरात्रि और ये सब तो होते ही हैं, सावन, उसके अलावा यहाँ पे 15 अगस्त 26 जनवरी को तिरंगा भी फहराया जाता है। वो इसलिए कि अंग्रेजों के समय पर इस पहाड़ी पर बलिदान भी दिया जाता था। ढोलक झाल करताल इस प्रांगण में हमेशा बजते रहते हैं। पुराने झाल भी यहाँ पे आपको देखने मिल जाएंगे। और 14 अगस्त 1947 को जब देश आज़ाद हुआ था, उससे संबंधित एक शिलालेख भी इस मंदिर के प्रांगण में आपको दिख जाएगा। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे देशभक्तों को बलिदान भी दिया जाता था, उन्हीं को सम्मान में यहाँ पे इस मंदिर में, यह भारत का अकेला मंदिर है जहाँ पे धार्मिक अनुष्ठान भी है और राष्ट्रीय पर्व के लिए तिरंगा भी फहराया जाता है। सबसे पहले यहाँ पे जो तिरंगा फहराने का काम किया था, एक स्वतंत्रता सेनानी थे कृष्णचंद्र दास जी, उन्होंने फहराया था। और शिवलिंग का दर्शन आप यहाँ पर कर सकते हैं। जी हाँ, जय शिव बाबा। काफ़ी पहाड़ी मंदिर विकास समिति मंदिर का निर्माण है तो देख रेख और ये सारे डोनेशन वही देखते हैं। ये मुख्य जो है गर्भगृह है, जहाँ पर शिव बाबा का शिवलिंग है, जिसकी पूजा अर्चना की जाती है। एक रास्ते से आप प्रवेश कर सकते हैं, दूसरे से आप बाहर निकल सकते हैं। 2 सीढ़ियाँ हैं यहाँ। ये रांची पहाड़ी मंदिर का एक छोटा सा इतिहास है और काफ़ी इम्पोर्टेंट है, काफ़ी बढ़िया है जो मैंने आपको बताया। और इस पहाड़ी मंदिर से सूर्योदय और सूर्यास्त का काफ़ी सुंदर दृश्य आप देख सकते हैं। शिवरात्रि और सावन के महीने में यहाँ पे काफ़ी भीड़ होता है। यहाँ पे शादीशुदा जो लोग हैं, कपल्स हैं, वो यहाँ पे ज़रूर आते हैं दर्शन के लिए। और इस मंदिर प्रांगण में ही पूजा अर्चना भी होता है, आरती भी होता है और प्रसाद वितरण भी यहाँ पर किया जाता है। प्रसाद भी लोग ग्रहण करते हैं, नारियल, चुनरी और अगरबत्ती ये सब यहाँ पर चढ़ाया जाता है। ऑनलाइन भी आप जो हैं पहाड़ी बाबा .org पर डोनेट कर सकते हैं। शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। धन्यवाद।